साइमा आज आपको कक्षा 12 के लिए हिंदी में फीचर लेखन बता रही हूँ कि फीचर किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले कि फीचर और समाचार दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो समाचार लिखे जाते हैं, समाचार लेखन होता है, उसके अंदर तथ्यों पर आधारित समाचार लेखन होता है, वो फैक्ट्स बेस्ड होता है। मतलब कि जो तथ्य है, जो सत्यता पर आधारित है और जो करंट न्यूज है, जो अभी लिखा जाना है, आज अगर कोई घटना घटित हुई है तो उस पर यदि कल लिखा जाना है, कल जो छपेगी तो उस पर जो लिखा जाता है उसे हम समाचार लेखन कहते हैं। लेकिन फीचर अलग होता है इससे, तो दोनों में अंतर होता है। दूसरा तथ्य है फीचर सूचना देने, शिक्षित करने तथा मनोरंजन करने वाला होता है। समाचार के लिए यह जरूरी नहीं कि वो मनोरंजन करने वाला हो, सूचना दी जाती है उसमें भी, वो शिक्षित भी किया जाता है, उसके द्वारा लोगों को सीख मिलती है, लेकिन मनोरंजन हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो वहाँ पर ये तथ्य जो है वो अलग से रखा जाता है, ये फीचर में होता है। नेक्स्ट है यह तत्कालीन घटना पर आधारित नहीं होता। जिस प्रकार से समाचार लिखे जाते हैं, समाचारों में क्या होता है कि जो तत्कालीन घटना होती है, जो उसी समय पर घटित होती है, उस पर समाचार लिखे जाते हैं। लेकिन फीचर, ये आवश्यक नहीं कि फीचर कोई तत्कालीन घटना पर आधारित हो। अगली बात है फीचर के द्वारा अपने विचार भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। समाचारों में ऐसा नहीं होता है, समाचारों में जो घटना घटित होती है उसी को ही उसी प्रकार से लिखा जाता है, उसको अधिक तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फीचर के द्वारा खुद के विचार और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ये मुख्यतः बिंदु है, इनको मैं फीचर के बारे में बता रही हूँ। तो जब हमारे जो 11वीं-12वीं कक्षा में फीचर लेखन आता है, उसमें हम किस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं उस फीचर के द्वारा, ये जरूरी नहीं है कि वो तत्कालीन समसामयिक जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पर ही होती है, उन पर भी हो सकती है, या जो पुरानी प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उन पर भी फीचर लिखवाया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो सकता है जिस पर की फीचर लेखन के बारे में कहा जा सकता है। इसके नेक्स्ट और लास्ट जो बिंदु है वो क्या है, इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, जैसे ये है उल्टा पिरामिड, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मुख्य घटना को, जो बात होती है, मुख्य बात होती है, उसको उजागर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रो। उसके बाद क्या होता है, बॉडी। बॉडी में जो भी उस घटना से संबंधित बातें होती हैं, उन सभी बातों को बताया जाता है, और फिर लास्ट में होता है इसका समापन, जो घटना होती है उससे संबंधित बातों को फिर समापन किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में फीचर को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पत्रिकाओं में जो फीचर लिखे जाते हैं उनमें कुछ शब्दों की सीमितता होती है कि इतने ही सीमित शब्दों में पत्रिकाओं में लिखा जा सकता है। तो इसमें कितने शब्द हो सकते हैं, 250 से 2000 शब्दों तक फीचर लिखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।